उदयपुर में बरसात से तबाही का सिलसिला जारी है। उदयपुर के जयसमंद, सलुम्बर, कोटड़ा इलाकों में बरसात ने हालात बेकाबू कर दिए हैं। इन इलाकों के 80 से ज्यादा गांवों का सड़क संपर्क टूट गया है। उदयपुर की तमाम नदियां, नहरें उफान पर हैं। बुधवार को उदयपुर से 50 किलोमीटर दूर वली गांव में झामरी नदी के पुल से गुजरते हुए एक मिनी ट्रक नदी में बह गया। ट्रक में 2 लोगों के सवार होने की सूचना थी। ट्रक के नदी में बहने के बाद इलाके के लोग 2 को बचाने की कोशिश में जुटे हैं। लोगों से बातचीत में सामने आया कि ट्रक को तेज बहाव के चलते पुलिस ने उसे पार करने से मना किया था, मगर ट्रक ड्राइवर नहीं माना और बह गया। मंगलवार को भी जावरमाइंस इलाके में एक ट्रक पुलिया के पिलर से टकराने से बहता बहता बचा था। वहीं उदरता इलाके में एक पुल टूट गया था। उदयपुर के जयसमंद में पिछले 24 घंटे में 148 mm और कोटड़ा में 130 mm बरसात हुई थी। जयसमंद में अब तक 1400 mm बरसात हो चुकी है। बुधवार को भी लगातार बरसात जारी है और इससे झामरी नदी में देर रात दर्जन भर से ज्यादा भैंसे और गाय बह गई। इधर कोटड़ा में भारी बरसात से 24 घंटे से बिजली गुल है। कोटड़ा के कई गांवों का संपर्क टूट चुका है। वहीं मदार गांव को जोड़ने वाली पुलिया पर पानी बहने से यहां भी संपर्क टूट गया है। इधर उदयपुर के वल्लभ नगर बांध से दूर रहने का अलर्ट जारी किया गया है। जल संसाधन विभाग ने अलर्ट जारी कर बताया कि यह बांध कभी भी ओवरफ्लो हो सकता है। ऐसे में लोगों को इसके बहाव क्षेत्र से दूर रहने और पुलियाओं को पार नहीं करने के आदेश जारी किए हैं। बता दें कि 19.5 यानी 19.5 फीट क्षमता वाला वल्लभ नगर बांध 18.5 फीट के पार हो गया है। उदय सागर से लगातार हो रही आवक से यह बांध कभी भी छलक सकता है। दोस्तों, सीबीसी न्यूज आपके सहयोग से लगातार बढ़ता जा रहा है। स्वतंत्र पत्रकारिता का सहयोग करने के लिए आपका धन्यवाद। सबसे पहले तो जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले सब्सक्राइब करें, जिसका कोई शुल्क नहीं लगता और बड़ा आसान है। बस नीचे दिख रहे लाल सब्सक्राइब के बटन को दबाना है और पास में दिख रहे बेल आइकन को भी दबाना है, ताकि आपको अपने सीबीसी न्यूज के हर अपडेट्स मिल सके। हमारे इंस्टाग्राम पेज और फेसबुक पेज को भी लाइक करें, फॉलो करें, वहां पर भी आपको मिलती है तरह तरह के अपडेट्स। हम पूरे राजस्थान से आपके लिए लाते हैं वो खास खबरें जो आपके लिए जरूरी है, और वो भी पूरी बेबाकी के साथ। पत्रकारिता के इस मुश्किल दौर में आपकी आवाज जिम्मेदारों तक पहुंचाना ही हमारा लक्ष्य है, और ये आपके सहयोग के बिना संभव नहीं है। हमारा सहयोग करें, स्वतंत्र पत्रकारिता में अपना योगदान दें और ज्वाइन बटन पर जाकर सदस्यता लें, चाहे सबसे छोटी सहायता के रूप में ही क्यों ना हो। जनता की बेबाक आवाज बने रहे, उसके लिए सहयोग आपको ही करना है। सब्सक्राइब करिए और ज्वाइन बटन पर क्लिक कर सदस्यता ग्रहण कीजिए।